place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave the... तो हेलो, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है सभी का एक और न्यू व्लॉग में। फाइनली आज धूप निकली, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और तूफान वगैरह तो भाई नेक्स्ट लेवल चला है, वो देखो। गुड मॉर्निंग जी, चल पड़ी छुच्छू, चलो छुच्छू आ जाते हैं, चलो छुच्छू करने, छुच्छू करने चल पड़ो छुच्छू करने। तो बस इसको वॉशरूम कराने जा रहा हूँ, स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं, सोचा व्लॉग शुरू कर लेते हैं। अब सोचा थोड़ा डेली व्लॉग में रूटीन में आते हैं, क्योंकि कंटेंट मेरे को पता है, पर 12th है, वो भी देखना पड़ेगा, बोर्ड क्लास है। कोई बात नहीं, आई विल मैनेज टू इट। और अभी तो धूप निकली है, वाह यार बड़ी चीज, ओम सूर्य नमः, धूप बड़ी सही लगी क्योंकि कल बहुत तेज बारिश थी। अच्छा मैं कम बोलता हूँ, आपको चुच्चू आया, पहले चुच्चू आ गया है तो मैं उसको स्टेप बांधता फिर बाहर निकलते हैं। चुच्चू चलो। तो यार कल फाइनली पापा चले गए थे, और तो बताता हूँ मैं छन्नू की क्या टेंडेंसी, मतलब छन्नू की क्या सब गंदे, मत कहे पागल, गंदा गंदा यहाँ पे चला गया। तो छन्नू पता क्या, पूरे दिन बाहर रहा, मतलब पहले भी ऐसे करता था बचपन में कि अंदर नहीं था, क्योंकि पापा से बहुत ज़्यादा इसको छन्नू को तो पता प्यार है, तो उसको बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आए, खाना खुना खिलाया, रात को जाके आया सुबह से, थोड़ा थोड़ा आ रहा था घर सूख गया, फिर बाहर निकल जा रहा था। तो मैं बोला छन्नू तू भी यार क्या ही है, बहुत प्यार कर रहा छन्नू ना, पापा चले गए कल, पापा काफ़ी टाइम लेट ही आएंगे, तो चल चल जल्दी कर ले। और यहाँ पे सामने ना थोड़े जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे जहाँ पे हमने जमीन ली उसके जो ओनर है, उनने पूरे ना यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते रखवा दिए हुए, छत्ते नहीं क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी के डब्बे रखवा दिए हुए, देखो तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तो हम तभी तो आगे जाते नहीं, यहाँ पे छन्नू को बहुत कम लेके आते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ना वो जो शहर वाली मधुमक्खी है ना, छोटी छोटी वाली, वो सारी यहीं पर घूमती रहती है, दिखाता हूँ मैं। कर लीजिए चल, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा कर ले आराम से कर ले, बस अब हुआ इससे ये इतना क्या, तो रात को पानी पीता था, हाँ बहुत पानी पीता था छन्नू, ये देखो वो ज़्यादा आगे मत जाना, वो रुक जा छन्नू, बिल्कुल तुम्हें देखो याद आ गया तुम्हें, जाइए देखो सारे जहाँ पे मैं तुम्हें वो दिखाता था, क्या बोलते हैं जहाँ पे आलू के वो जो खेत थे बहुत बड़े, ये देखो छन्नू मेरे को रुकना, जूम इन तो करने दे, ये देखो ये देखो है ना। तो हमने सोचा पहले कोई रैंडमली अननोन बंदा रख गया, फिर हमने कॉल किया उनको कि सेटलमेंट के पास मत रखो इसको, हम घुमाते हुए, उन्होंने बोला सर दो तीन महीने के लिए रखे हैं, दो तीन महीने के लिए, मैंने चल रख लो यार तुम्हारी ज़मीन अब क्या बोलो, सर प्लीज़, उन्होंने बोला कि एक बार उड़ेंगी उसके बाद नहीं उड़ने वाली, अब नहीं उड़ती हैं, जब न्यू एरिया होता तभी उड़ती हैं। ओ सर भाई मैंने शूज़ पॉलिश किए और तू जोर से लगा हुआ फेंकने, चलो पास मत जा, मेरे को डर लग रहा भाई, तुम्हें तो वाइड एंगल में दिख रहा है ना, मेरे को नहीं, तुम तो वाइड एंगल में देखो, तुम्हें दूर लग रहा है, मेरे बहुत पास है ही, और लगा पहले सुबह सुबह मेरा मुँह फूल गया हुआ, चला जा कम कम दिस साइड घूमो, चलो नहीं उस साइड नहीं जा, मैं थोड़ा उससे लग जाएगी इधर को पागल, काट कूट लेगी सुबह सुबह, चल मैं लेट भी हो रहा हूँ, मैंने अभी जाना भी है, मिल्क शेक भी पीना है अपने, चल बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है कि साइकिल को रिपेयर करना है, साइकिल अब तो मतलब टाइम नहीं मिलता है, और पापा भी चले गए तो आजकल तो मैं घर में बोर जाऊँगा मैं अकेला, तो साइकिल ही खड़ी रही, कल मैं निकाली साइकिल यहाँ पे, और इसका टायर पंचर पड़ा हुआ है, इसकी जो साइकिल लाइट्स होती है सारी वो क्या बोलते हैं डिस्चार्ज पड़ी हुई हैं, सब चार्ज करेंगे इसको, रखें मेन इसका साइकिल का जो पंचर है वो लगवा के लाऊंगा, टायर खोलना पड़ेगा इसका, लगाने को मैं लगा दूँ बट पंप नहीं है ना मेरे पास, किट है, किट होगी या पंप होगा खुद घर में लगा लूँगा, बट अभी इसको लगाना पड़ेगा जाके मेरे को। शाम को आते हैं 3 बजे तक, 3:30 बजे उसके बाद जाऊँगा 4:30 बजे। हाँ मुझे आज बैडमिंटन का रैकेट भी ले जाना, क्योंकि तुम्हें पता स्कूल के बाद हमारा स्पोर्ट्स का सेशन होने वाला है शुरू, मैं सोचा बास्केटबॉल में लूँ बैडमिंटन में लूँ, कुछ पता नहीं अभी देखते किस किस में लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ बैडमिंटन में जाऊँ, तभी मैंने बैडमिंटन रिपेयर करने के लिए उसमें लग रहे हैं 350-300 रुपये, उसमें बोला कि मैं तार डाल दूंगा, मैं उसमें स्ट्रिंग जलवा रहा हूँ प्लस ग्रिप डाल रहा हूँ योनिक्स की, तो देखते हैं आज कितना टोटल बनता है, मैंने बस पूछा था कि तार डाल देना, बोलता ठीक है मैं स्ट्रिंग डाल दूंगा और हैंड ग्रिप डाल दूंगा, बोला देखते कैसा रैकेट बनता है, अच्छा रैकेट बन जाए ना बस खेलने लगते हो जाऊँगा बैडमिंटन में, अगर नहीं रहे तो बास्केटबॉल में चल जाऊँगा, दोनों स्पोर्ट्स आते हैं मेरे को। क्या क्या तो नहीं पुराना ठीक है, मम्मी बोल रहे कि नया बैडमिंटन ले दी, ले देना मेरे को योनिक्स का, आ जाएगा 1100-1200 का, तो ले देना फिर आप ले सकता हूँ, बट भाई वो भी मैंने बहुत अच्छा रैकेट है यार, वो बहुत नया रैकेट है, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा क्वालिटी उसकी, मतलब जो इतना सही लाइट वेट कार्बन का है ना वो D6 पता नहीं कौन सा वाला है, तो अच्छा रैकेट है यार मम्मी, ऐसा कह नहीं ले दोगे बोलो फिर, हाँ बोल रहे रहने दो यार क्यों पैसे वेस्ट करने, GoPro ले देना मेरे को बाद में, GoPro बाद में ठीक है, हाँ बस ठीक है। स्कूल से आ गया था और ये है तुम्हारा हॉर्न, एक हॉर्न यार मेरे पापा गए थे स्कूटी लेके, वो तंग हो के बोलते यार
इसको जल्दी से इंस्टॉल कर, तू बहुत मुश्किल है चलाने में वाला, कि कोई बात नहीं दो मिनट लगेंगे, मैं अभी इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये वाला इसका पूरा ऊपर का जो ये मुंह होता है मेरा पूरा खोलना पड़ता है। Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? तो अभी जस्ट मैं ना ये वाला मैंने हॉर्न किया, अच्छा हुआ इसके साथ पूरा इसका पार्ट मिलता। अब देखो पूरा अच्छा बज रहा है, और पुराना वाला जो था वो ये था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसको दिखा दूंगा मैं एक बार मैकेनिक को क्या प्रॉब्लम, बट ये वाला देखो तुम अब अच्छा बज रहा है। देखो अब अच्छा बज रहा है भाई, जो बहुत लाउड है वैसे ये वाला सर आ गया था। और जो तुमने पिछला वाला क्लिप देखा ना, वो काफ़ी दिन पहले का था, जो मैंने हॉर्न इंस्टॉल किया जब पापा भी यहाँ पे थे। मैंने कहा चलो डाल देते हैं। और ये ना मेरा बैडमिंटन का कवर जो मैं डिक्सन की बात कर रहा था, ये अभी खाली है इसके अंदर। ओ मम्मी ने दूसरा वाला डाल दिया होगा रैकेट, अरे इसको बाहर निकाल। वो भी अच्छा है बट वो थोड़ा लो क्वालिटी का, मतलब बहुत भारी है, इससे बड़े हाथ में दर्द होती है। देखो ये रहा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ये बट बहुत ज़्यादा हैवी है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। जब इससे तुम प्रैक्टिस करते हो ना तो वो काफ़ी लाइट वेट लगता है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल रख के जा रहा हूँ, और अभी मैं धूप है बाहर, 5 बज रहे हैं, और कवर क्योंकि मैंने दिया हुआ था तो वापस मैं कवर में डाल के ले आऊँगा, और अपने इसमें डाल लूँगा क्या बोलते हैं कंधे में लटका लूँगा, प्लस देखते हैं और क्या क्या मार्केट से परचेज करना है। 5 बज गए। और हाँ साइकिल का तुम बोल रहे हो अक्षय कि तू जाएगा अभी, मैं आप बाहर क्यों बैठी हो इतनी धुप्पा बीच, क्यों बैठी हो मेरे बच्चे? मैं आपको फ़ैन लगा देता हूँ, मैं आपको फ़ैन लगा देता हूँ मेरे बच्चे। ये क्या कर रहे हो? योनिंग आ रहा है, योनिंग आ रही, किची कर ली, किची किची कर भूल गया आजकल, किची करने भूल गए। मैं इसको पता कैसे कान खाता हूँ, पापा पापा भी टक्की होते थे इसके, बच ले लिया। तो साइकिल की मैं बात कर रहा था, ये नहीं देखो यार इसके जो भाई टायर पंचर हुआ है, और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। आज मेरे को शायद लगता टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट चन्नू तू उदास है कि नहीं है? चन्नू बहुत दुखी है क्योंकि पापा चले गए हैं, 2-3 दिन के लिए सदमा रहता है इसको। स्कूटी कहाँ? हाँ अच्छा छाँव में लगाई, देखो यार धूप जरा। ओए 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 चड्डी बड़ी सवर यू, देखो इसको ना हमने पानी के लिए रखा है पीने के लिए, और ये चड्डी बड़ी तू क्या कर रहा है? ये बहुत डरता है बेचारा ये। नहीं भूरू तेरे को मैंने मना किया है कि इससे पानी पीने के रखा तेरे को छोटा सा मैंने, तूने फिर से इसको कैसे है बच्चा कैसे कैची मोटी मोटी कैसी मोटिया, इसका नाम है मोटिया। देखो देख बस खेलता रहेगा, एक ये है एक वो है एक वो है एक वो है। ओ भूरू आ जा मेरे बच्चे यहाँ पे आ जा, शी इज़ अ फीमेल, शी इज़ अ फीमेल डॉग, शी इज़ अ फीमेल डॉग। हेलो हेलो हेलो। नहीं तू वहाँ भाई, ये हमारा भाई बॉडी गार्ड है मेरा बहुत तगड़ा, जब भी छन्नू आएगा तो साथ में बाहर जाएगा तो पक्का जाएगा। हाय भाई गंदे मेरे बच्चे, हाय भाई गंदे, मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ खाएगा तू? मैं ब्रेड ले आऊँगा तुम्हारे लिए, चलो चलो सो जा रेस्ट कर थोड़ी देर। ओ ये क्या ये क्या ये क्या कर दी है भाई, हमने बहुत प्यार से पाले हुए हैं सारे ये, तभी मेरे घर के पास ही बैठे रहते हैं। ओहो इनका असली डब्बा हुआ पानी पीने वाला, हमने बहुत डब्बे रखे हुए पानी पीने के लिए, गर्मी है ना तो बार बार इनको क्या बोलते हैं सलाइव आता है मुँह में, तो मम्मी बोलते हैं मम्मी के सारे बोलते हैं हम कि पानी पिलाना इनको बहुत अच्छी बात हो। चलो चलते हैं यार, चश्मा पहनता हूँ दूसरा वाला जो मेरा दूसरा ग्लासेज है वो पहनूंगा, धूप बहुत है। ओ भाई साहब तो यार फाइनली मैं रैकेट तो मतलब बिल्कुल ठीक करवा के आ गया था, और उसके बाद तुम लिटरली सोच सकते हो फिर ग्रुप में जो धड़ाधड़ काम आया कल के लिए। भाई मैं उसमें बैठा हुआ था 8 बजे करने, और अब देख लो तुम 9 बज गए, 1 घंटा हो गया कोई रेस्ट नहीं लिए। भाई मेरे लिए 1 घंटा पढ़ाई बहुत होती है क्योंकि 12th है बोर्ड, तो अब तो इसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा। देखो अभी जस्ट वही सॉल्व कर रहा था न्यूमेरिकल्स इकोनॉमिक्स के, GDP NNP सारे वही कर रहा था, क्योंकि अब साथ साथ में चलेंगे तभी आगे जाके सिलेबस एक बार कंप्लीट होगा। भाई अच्छा बोल रहा हूँ, अब लग रहा है पता बोर्ड क्लासेस कितनी टफ होती हैं। 10th में हमारा बोर्ड नहीं होता ड्यू टू कोविड, बट अब जो स्ट्रेस हो रहा है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं दोपहर से सोया, जब मैं स्कूल से मतलब स्कूल से 3:30 बजे घर पहुँचा था ना, मैं साइकिल का काम कर पाया, बस अपना बैडमिंटन लेके आया था मैं, ना खेलने जा पाया मैं। कोई बात नहीं चलता यार, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अभी सब कुछ कर लिया। अब IPL लगा हुआ DC और क्या बोलते हैं तुम्हारा RR का, वो भी देखने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मम्मी ऑलरेडी सीरियल बैठ के मतलब देख रहे हैं। छन्नू अपना बाहर घूम रहा फिर रहा है, छन्नू कहाँ यार, छन्नू बड़ी देर से बोल रहा अंधेरे में, ढूंढ के आए इसको एक बार बार, क्योंकि थोड़े मेरे पैर भी सीध हो जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बस चिप्स खाता रहता हूँ यहाँ पे फेंकते तो पैकेट, ताकि थोड़ा पेट भी चलता रहे, भूख भी लगती है कभी बीच बीच में, तो खाना भी छन्नू खाते हैं और काम भी करते रहते। चलो ढूंढ के आए छन्नू को, मोटर लगाई है पानी के लिए। ओके मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ, मेरे छन्नू जी कहाँ पे, छन्नू जी कहाँ पे, आप बाहर बैठे हो, ठंड नहीं लग रही है? आज सच में बहुत ठंड थी यार, मतलब शाम को ठंडा मौसम, तू यहाँ बैठा हुआ मैं तेरे को वहाँ ढूंढ रही, क्या हो गई गुगली, चलो आ जाओ अंदर रोटी रोटी खा लो। ओ जमाई आ गई,
ये क्या, मैं जमाया, मैंने हाथ छुआ आपका, हाथ छुआ दे अब नहीं है इसको। स्कूटी पार्क कर दी थी मैंने और छन्नू जी अब ठंडी हवा में आनंद ले रहे हैं। फ्लावर्स हो गए हैं क्या? तुम्हें सुबह दिखाना भूल गया था यार, मैं डेली अपने ब्लॉग में इंक्लूड करूँगा इनको, क्योंकि दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग। देखो अपना फूल नहीं यार, रात को बेचारों को लाइट नहीं, सॉरी यू आर स्लीपिंग आई नो, बट एक तुम्हें झलक दे दो, सारे फ्लावर्स हो रहे हैं अभी। मेरी फुटबॉल देखी एक चीज़, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं पक्का इसमें हेड शॉट ऐसे मार के जाता हूँ। देखो ये रहा, ये मैंने बेल लगाई, जैसे मैं जाऊँगा ऐसे करके, और ऐसे करके पक्का करूँगा ही करूँगा ऐसे ऐसे बेचारी। पर इसमें थोड़ी घंटी बजती नहीं बेचारी, ऐसे जिंगल बेल है, जिंगल बेल लाया था मैं क्रिसमस में, बट ऐसी कहीं पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ पे लगा ली। और हाँ यार, मेरे को बोर्ड भी लगाना है, ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे जाऊँगा कल तक लेके आता हूँ। मुझे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स के चाहिए, ताकि अच्छी परसेंटेज आ सके। और मैंने पापा को शर्त भी लगाई है कि अच्छी परसेंटेज आती तो फिर तुम मेरे को लेके दोगे, 90 अबव आएगी तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड आएगा, देखते कितने रुपए का आता है, अगर बड़ा ही महंगा आएगा तो नहीं लूँगा, तो फिर देखते क्या लेते हैं, बट लूँगा जरूर, मार्कर से लिख सके क्या, ताकि क्या है ना कि जैसे मैं फॉर्मूला लिख लूँ ना, तो जब भी सुबह उठ तो रिकैप्चुलेट हो जाए सारा ना। कैसा लगा आइडिया मेरा? और ये तुम ये देख रहे हो, ये लिखा मैंने, कर हर मैदान फतेह, कम ऑन अक्षय, यू कैन डू इट। सेल्फ मोटिवेट मैं अपने आप को करता रहता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना, कभी कभार कुछ हो जाता है, मतलब कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है, कभी कुछ भी, तुम समझ सकते हो कि कभी पर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं जब भी सुबह उठता हूँ, यहाँ पे अकेला सोता हूँ मैं ना, और जैसे उठता हूँ पहले ये लाइन यही मैं पढ़ता हूँ। साइड पापा जी का फोटो लगा हुआ है, आर्मी में थे पापा, तो अपने आप में जोश आता कि हम भी आर्मी में जाएंगे। तो ऐसे देखा तुम, मेरा कमरा ऐसा ही है।